हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, लेकिन आज मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है एंड मैं 3 साल के बाद कोई एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तो मुझे 3 साल में मैं एग्ज़ाम देना ही भूल गई हूँ कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है एंड ऑल। तो मेरा भाई तो मुझे इतना नर्वसनेस फील करवा रहा है, क्योंकि ये सुबह से पढ़ते जा रहा है और ये 5 बजे उठ गया था सुबह। सीरियसली आई डोंट नो कि इसने क्या पढ़ा है और ये क्या लिखेगा। तो सबसे पहले तो हम भगवान से यही प्रे कर रहे थे कि हमें टैक्सी मिल जाए, एंड लो भगवान ने हमारी सुन ली तो हमें टैक्सी मिल गई। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा भाई मेरा दिमाग ख़राब ना करे। पहले ही मैं इतनी नर्वस हूँ, इतने साल के बाद मैं पेपर देने जा रही हूँ और ये देखो ये यहाँ पे बुक लेके बैठ गया है और मेरे से इतनी गालियाँ दे रही थी, तो आप सोच भी नहीं सकते। आप देखो ये रिज पे भी चल रहा है, कहाँ तो इसे इधर उधर देखना चाहिए, अपना स्ट्रेस रिलीज करना चाहिए। साथ ही साथ मेरा भी बीपी हाई कर रहा है और ये यहाँ पे पढ़ रहा है, इसने अभी भी बुक उठाई हुई है। और आप मानोगे नहीं, अभी मेरे साथ इतनी बुरी चीज़ हुई है। मैं एग्ज़ामिनेशन एडमिट कार्ड निकालने गई थी और मैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकाल कर आ गई थी, उस वक्त मैंने इससे इतनी गालियाँ सुनी है और मैंने इसे ही कहा है कि तू ही मुझे इतना नर्वस कर रहा है और तभी मेरे से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं पता मेरा आज का दिन कैसे जाने वाला है। तो लो अब मैं पहुंच चुकी हूं अपने एग्जामिनेशन सेंटर HPO में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। और यहाँ हमारा पहला काम है कि अपनी सीट ढूंढो और अपना एग्जामिनेशन हॉल ढूंढो। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। कैसा लगा आपको पेपर देके? कैसा? शेर को बहुत बुरा लगा। शेर ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, इसको देखो, इसने कुछ नहीं पढ़ा था। यार चुप रहे, मेरा तो एक पेज छूट गया था पीछे। जस्ट लिसन, इसने बोला रात को कि मैं सो गई हूँ ना, ठीक है, अब मैं सो गया, उसके बाद उठ के पढ़ रही थी और इसने बोला इसके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पूरे 5-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई है। मेरा पेपर बहुत 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 अच्छा हुआ, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी है कि ये टॉप पर आ जाए, और मेरी पॉसिबिलिटी 3 नंबर अभी आ जाएंगे ना भाई, 3 नंबर नहीं तो और जा, और जब बेटा मेरे पेपर में उन्होंने सप्ली डाली तो मेरे साथ हो जाए मोए मोए। अब आप ही देखो, इतना पढ़ने के बाद भी ये एक क्वेश्चन छोड़ के आया और मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ, तो इसका तो मुझे पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपसे मैं अगले व्लॉग में मिलूंगी।